क्या करें उन लोगों का जो बात बात पर मजाक उड़ाते हैं। Have you experienced this before? Hi, welcome back to my channel. अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। हम ऐसे बहुत सारे लोगों के बीच में रह रहे हैं जो बात बात पर एक दूसरे की टांग खींचते हैं या दूसरों का मजाक बनाते हैं, बिना ये सोचे कि जिसका वो मजाक बना रहे हैं, जिस भी बात पर बना रहे हैं, उस पर्सन पर क्या बीत रही होगी या वो कैसे उस सिचुएशन से गो थ्रू कर रहा होगा। जिस बात पर मजाक कर रहे हैं, हो सकता है वो उस पर्सन के लिए कोई मेजर प्रॉब्लम भी हो सकती है। और ऐसे लोग ना किसी भी बात पर मजाक उड़ा सकते हैं, इंसल्ट कर सकते हैं, जैसे ड्रेसिंग स्टाइल, फिजिकल अपीयरेंस या फिर बिहेवियर पर भी। वी नो कि उन लोगों को रोकना मुश्किल हो जाता है। हम अगर कोशिश भी करते हैं उन्हें रोकने की तो हम नहीं कर पाते, हम नहीं रोक पाते उन्हें या फिर नहीं कुछ बोल पाते। बट डीप इनसाइड हमें वो बात डिस्टर्ब करती है, हमें बुरा लगता है उन चीजों से, लेकिन उनके बोलने पर हमारा कोई रोक नहीं होता। और सच्चाई तो ये है कि मोस्ट ऑफ देम जो बात बात पर दूसरों का मजाक बनाते हैं या दूसरों पर हंसी उड़ाते हैं, उनका इंसल्ट करते हैं, वो लोग खुद ही अपनी किसी चीज को लेके बहुत इनसिक्योर होते हैं और अपनी उन्हीं इनसिक्योरिटीज को भूलने के लिए दे मेक फन ऑफ अदर्स। अब ऑब्वियस सी बात है, जो खुद ही अपनी चीजों से इतना परेशान है, डिस्टर्ब है, वो दूसरों के मेंटल पीस के बारे में क्या सोचेगा। और आपको पता है कैटाजलिस्टिसिज्म एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है, जो पर्सन इससे सफर करते हैं वो एंजॉय करते हैं दूसरों का मजाक उड़ाना, मजाक बनाना या किसी दूसरे को इंसल्ट करने में। इनफैक्ट वो ऐसी सिचुएशंस में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं जिसमें वो किसी का मजाक उड़ा सके या किसी पर हंस सके। और तो और वो प्रैंक्स, जोक्स या फिर किसी को एम्बैरेसिंग बोलने तक में भी हेजिटेट नहीं करते। उनके लिए ये बहुत इंजॉयबल होता है दूसरों पर हंसना, दूसरों का मजाक उड़ाना। इनफैक्ट इस साइकोलॉजिकल कंडीशन पर काफी सारी स्टडीज भी हो रखी हैं, इस पर रिसर्च भी की गई है। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट वी कैन डू फॉर अस एंड फॉर देम एज वेल। सबसे पहले तो वी हैव टू लव अवर सेल्फ, वी हैव टू वैल्यू अवर सेल्फ फर्स्ट। कुछ भी करने से पहले सेल्फ लव इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर क्वेश्चंस, क्योर एंड सॉल्यूशंस। और जब हम खुद से प्यार करेंगे या हम खुद से प्यार करना सीखेंगे तो हम खुद ब खुद अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे, अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे, अपने लिए स्टैंड ले पाएंगे। और जब हम इतने कॉन्फिडेंट होंगे ना अपनी चीजों के लिए तो हमें अपनी रियलिटी पता होगी, हमें पता होगा दैट मेरे में थोड़ी कमी है बट मैं जैसा हूँ, जैसी हूँ, आई लव माई सेल्फ एंड nobody is perfect, so am I। और अगर हम खुद से प्यार नहीं करेंगे, खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा और लोग मजाक उड़ाने का मौका नहीं छोड़ेंगे। जब हम खुद से ही प्यार नहीं कर सकते या खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो हम किसी दूसरे से भी क्यों ऐसे इच्छा रख सकते हैं कि वो आकर हमें रिस्पेक्ट देगा, प्यार देगा। इसलिए जो चीज हम दूसरों से मांग रहे हैं सबसे पहले हमें अपने आप को देनी पड़ेगी, क्योंकि दूसरे लोगों को तो मौका चाहिए मजाक उड़ाने का, बातें बनाने का या इंसल्ट करने का। इसलिए सेल्फ लव मस्ट बी आवर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। सेकेंडली, लर्न टू लाफ। इट कैन बी हार्ड कि खुद पर ही खुद ही की कमियों पर हंसो, लेकिन कभी कभी ये जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि जो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं आप उनके आगे अपसेट होकर दिखाओगे तो उनको लगने लगेगा दैट दे कैन टीज यू इजीली। ये उनके लिए और इजी हो जाएगा टू लेट यू डाउन इन फ्रंट ऑफ अदर्स। इसलिए ट्राई टू लाफ ऑन देयर जोक्स एंड जस्ट बी कॉन्फिडेंट। और जब आप उनके साथ हंसने लगोगे तो उनको भी धीरे धीरे विद टाइम लगने लगेगा कि इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और फिर शायद वो खुद भी ये सब करते करते बोर हो जाए। तो हमें बस उनके लेम जॉक्स एंड एम्बैरेसिंग जॉक्स को इग्नोर करना है। नंबर 3, स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। समटाइम्स इतने जिद्दी लोग भी मिलेंगे जो ये सब करना बंद नहीं करेंगे, और उन्हें इग्नोर करने की टेक्निक काम नहीं आती क्योंकि वो मानते ही नहीं है। तो इसलिए इस टाइम पर वी हैव टू टेक सम नेसेसरी स्टेप्स। नाउ वी हैव टू कन्फ्रंट देम। अब हमें उन्हें क्लियर स्टेटमेंट्स एंड वर्ड्स में समझाना पड़ेगा दैट स्टॉप टीजिंग एंड मेकिंग फन। उन्हें सीधी और इजी लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा दैट आई एम नॉट अप्रिशिएटिंग इट कि आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं या मजाक बना रहे हैं,
तो नाउ इट्स अ टाइम यू हैव टू स्टॉप इट. डोंट क्राई एंड डोंट बी इमोशनल इन फ्रंट ऑफ देम. हमें काम होकर और पोलाइटली उन्हें ये सब समझाना है. एंड ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड बाय गिविंग अ सिंपल एग्जांपल. उन्हें बताओ दैट देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आई डोंट लाइक इन यू, लेकिन मैं वो नहीं बताती या बताता बिकॉज आई डू नॉट वॉन्ट टू हर्ट योर सेंटिमेंट्स. इसलिए इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू स्टॉप इट. एंड इन द एंड मैं आप सबसे ये बोलूंगी, जो लोग भी इस सिचुएशन से, इन चीजों से डेली लाइफ में गो थ्रू करते हैं, मैं कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करती हूँ, क्योंकि ऐसे लोग हम सबको मिलते हैं लाइफ में और इनफैक्ट मिलते रहेंगे. हमें ना बस अपने आप पर भरोसा रखना है, अपने आप के साथ कंफर्टेबल होना है. हम जैसे भी हैं, जो भी हैं, अपने आप को पसंद करना है. और हमें ये रियलाइज करने की जरूरत है या अपने आप को रियलाइज करवाते रहना पड़ेगा कि दूसरों के ओपिनियन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दूसरों के ओपिनियन या जजमेंट से ना तो हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं और ना ही गिर सकते हैं. ये सिर्फ हमारा माइंड है जो हमें लाइफ में आगे तक लेकर जाएगा. तो हमें अपने आप पर फेथ रखना है, भरोसा रखना है. और ये जो लोग बोलते हैं, मजाक बनाते हैं, उन्हें बनाने दो. आप बस अपनी लाइफ पर, अपने ऊपर काम करो, अपने आप को बेटर बनाओ, अपने आप को इम्प्रूव करो, क्योंकि एक्शन स्पीक्स मोर देन वर्ड्स. नाउ आई होप नेक्स्ट टाइम आपको ऐसे लोग मिले तो आप उनके साथ अच्छे से डील कर पाए. वीडियो हेल्पफुल लगी एंड अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. इफ यू विश टू कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, जहाँ पर मैं मेंटल हेल्थ रिलेटेड टिप्स शेयर करती हूँ, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे मेंशन है. Go and check it out. So for now, bye bye and take care.